नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस वार्ता लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान आए हैं। किसी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताई है, किसी ने सरकार के अन्याय पर किसान आंदोलन की जीत कही है, तो वही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव में हार दिखने लगी है तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला, आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार चेक किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया? स्पष्ट है, चुनाव आ रहा है।